हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांस ड्रामा मूवी को और इस मूवी का नाम है मिसचीफ। इस मूवी को 1985 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम एक लड़के की कहानी देखते हैं जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो अपनी दिल की बात उसे नहीं बता पाता है क्योंकि वो बहुत शर्मिला है। ये दोनों आगे क्या करते हैं ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें जोनाथन नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक टीनेजर है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की का नाम मैरिलिन है, लेकिन जोनाथन काफी डरफोक है और वो डर से मैरिलिन को अपनी दिल की बात नहीं बताता है। जोनाथन अपने दोस्त के साथ कार में होता है। जोनाथन का दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और उसे मैरिलिन को अपनी दिल की बात बताने के लिए कहता है। उसी वक्त ये लोग देखते हैं मैरिलिन रोड के किनारे से जा रही होती है। जोनाथन उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए वो इतना खो जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जोनाथन अपने घर आता है, तब वो देखता है एक नया लड़का उसके पड़ोस में रहने के लिए आया है जिसका नाम जेन है। जेन यहाँ आने के बाद अपने बाइक से इधर उधर घूमता है और वो अपने बाइक को लापरवाही से ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी बाइक केनी नाम के एक लड़के के कार से टकरा जाती है और जेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। केनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी भी होती है जिसे देखते ही जेन को उससे प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर केनी को सिर्फ अपने कार की पड़ी होती है। इसके बाद वो बनी को कार में लेकर यहाँ से चला जाता है। इन सारी चीजों को जोनाथन दूर से देख रहा होता है। कुछ देर बाद जोनाथन जिन से मिलने के लिए जाता है और इन दोनों में यहाँ पर दोस्ती हो जाती है, लेकिन जिन और जोनाथन दोनों के बिहेवियर काफी अलग थे। यहाँ जिन जोनाथन को बताता है पिछले स्कूल में वो दो लड़कियों के साथ इंटीमेट होता हुआ पकड़ा गया था और इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं जोनाथन को अब तक किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट होने का चांस नहीं मिला था। इसके बाद जिन जोनाथन से यह पूछता है इस टाउन में उसे सुंदर लड़कियां कहाँ मिलेगी। इसके बाद जोनाथन उसे शहर के मेले में शाम में लेकर जाता है। ये लोग यहाँ आकर देखते हैं यहाँ मैरिलिन और बनी दोनों हैं। ये लोग एक ऐसे स्टॉल में थे जहाँ पर एक नंबर लगे हुए व्हील को घुमाने पर जो भी नंबर आता ये लोग उस नंबर के लड़की को किस कर सकते थे। जोनाथन जब यहाँ आकर व्हील को घुमाता है तब उसके पास एक रोजेल नाम की लड़की का नंबर आता है, लेकिन जोनाथन को वो लड़की पसंद नहीं थी। इसके बाद जिन व्हील को घुमाता है और उसे मैरिलिन का नंबर मिलता है और वो उसे किस करता है। ये देखकर जोनाथन को काफी जलन होती है। इसके बाद जिन जोनाथन के पैसों से एक बार और व्हील को घुमाता है और इस बार जिन को बनी का नंबर मिल जाता है और जिन उसे भी किस करता है। जिन देखने में काफी स्मार्ट था और अब मैरिलिन और बनी दोनों उसे लाइक करने लगती है। इसके बाद जोनाथन यहाँ जिन को बताता है वो मैरिलिन को बहुत लाइक करता है। जोनाथन की बात सुनकर जिन उससे कहता है वो एक महीने में जोनाथन से मैरिलिन को पटवा देगा और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर शर्त लगाते हैं। जब ये दोनों अगले दिन स्कूल जाते हैं तब जिन जोनाथन से ये कहता है उसे मैरिलिन की आंखों में देखना होगा, लेकिन जब मैरिलिन वहाँ आती है तब जोनाथन उसे देखकर फिसल जाता है। एक बार कैनी जो कि बनी का बॉयफ्रेंड है वो जोनाथन को परेशान करता है। ये देखकर जिन उसे समझाता है और वो कहता है उसे खुद में स्ट्रांग बनना होगा। क्लास में जोनाथन मैरिलिन को घूर रहा होता है। उसकी टीचर जोनाथन को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे क्लास में खड़ा होने के लिए कहती है। यहाँ पर जोनाथन का सबके सामने मजाक बन जाता है। स्कूल के बाद जिन जोनाथन को मैरिलिन से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जोनाथन जाते हुए अपनी साइकिल को एक कार में ठोक देता है और इस एक्सीडेंट से उसे काफी ज्यादा चोट आती है। तभी मैरिलिन उसके पास आती है। जोनाथन को काफी ज्यादा चोट आई थी, तब मैरिलिन उसके खून को साफ करने लगती है। वो मैरिलिन को अपने इतने पास देखकर खुद में कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मैरिलिन को छूने लगता है, लेकिन मैरिलिन को जोनाथन के इस हरकत पर गुस्सा नहीं आता है, जबकि वो जोनाथन को देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद हम जिन और बनी को एक साथ देखते हैं। जिन यहाँ बनी से केनी के बारे में पूछता है, तब उसे ये पता चलता है कि बनी केनी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती है। कुछ देर बाद मैरिलिन भी यहाँ आती है और वो जिन से मूवी डेट के लिए पूछती है। जिन ये सुनकर खुश हो जाता है और उसके साथ मूवी डेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये सब देखकर जोनाथन को जिन पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जिन जोनाथन से ये कहता है वो इस डेट में मैरिलिन से दूर रहेगा और उसे टच नहीं करेगा क्योंकि वो मैरिलिन को नहीं बल्कि बनी को लाइक करता है। इसके बाद जिन बनी से बातें करता है और उसे भी जोनाथन के साथ मूवी डेट में चलने के लिए कहता है। इसके बाद शाम में ये चारों मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहीं पे मैरिलिन जिन के काफी करीब आने लगती है। वहीं पीछे बैठा जोनाथन ये सब देख रहा होता है और उसे बनी के साथ बैठने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त वहाँ पर केनी के कुछ दोस्त आते हैं और वो बनी को जोनाथन के साथ देख लेते हैं और ये लोग जाकर केनी को इसके बारे में बता देते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर आई है। जिन और जोनाथन जब बाहर निकलते हैं तब केनी वहाँ आकर जोनाथन को मारने लगता है। इसके बाद जिन यहाँ आता है और इन लोगों से कहता है जोनाथन ने कुछ नहीं किया है जबकि बनी को उसने यहाँ लाया है। जिन की बात सुनकर केनी जिन को लड़ने के लिए इन्वाइट करता है। केनी को ऐसा लगता था जैसे जिन उसकी बातों से डर जाएगा, लेकिन जिन भी लड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। यहीं पे केनी जिन के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है और वो कहता है दोनों अपनी कार तेजी से एक दूसरे की तरफ ड्राइव करेंगे, जो पहले रास्ते से हटेगा वो हार जाएगा। लेकिन ये दोनों ही रास्ते से नहीं हटते हैं
और इनकी कार आपस में साइड से टकरा जाती है। ये देखकर कैनी बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कैनी और जिन में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, लेकिन जिन का कार स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस इन लोगों को वार्निंग देती है और इन्हें जाने देती है। जिनके फादर को जब ये सब बातें पता चलती है, तब वो सबके सामने जिन को थप्पड़ मारते हैं और उसे घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। शाम में जोनाथन जिन से मिलने के लिए यहाँ आता है और ये दोनों ड्रिंक करते हैं और बाइक में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जिन जोनाथन को ये बताता है कि उसके फादर उसे अक्सर पीटते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिसमैन इन लोगों को पकड़ लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि ये दोनों नशे में हैं। इसके बाद वो इन दोनों से कहता है वो अपनी बाइक को पैदल ही घर लेकर जाए। रास्ते में इन लोगों को कैनी के फादर का डिपार्टमेंट शॉप मिलता है, जो कि इस टाउन में सबसे बड़ा था। कैनी से बदला लेने के लिए ये लोग स्टोर में सारे पुतलों को एक ऐसे पोजीशन में रख देते हैं जो देखने में काफी फनी लग रहा था। अगली सुबह जब सारे लोग इन पुतलों को ऐसे कंडीशन में देखते हैं, तब सारे लोग इस शॉप का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ बनी जिन से मिलने के लिए आई है और बनी जिन से शाम में मिलने के लिए कहती है। उसी वक्त मेरलिन भी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को इतने पास देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अब जिन को लाइक करती थी। जिन को अपने फादर की कार को रिपेयर कराने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो एक गैस स्टेशन में काम करने लगता है। यहाँ जोनाथन जिन के पास आता है और उसे मेरलिन वाली शर्त के बारे में याद दिलाता है। तब जिन जोनाथन से ये कहता है उसे मेरलिन से सीधे इस बात को पूछ लेना चाहिए। जोनाथन को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो जानता था मेरलिन उसे मना कर देगी, लेकिन फिर भी वह जिन की बातों को सुनकर मेरलिन को कॉल करता है और वो मेरलिन से अपनी दिल की बात कहता है। तब मेरलिन उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है। इधर हम जिन और बनी को देखते हैं। अब इन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी चलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जोनाथन भी मेरलिन के साथ काफी खुश होता है और मेरलिन भी जोनाथन के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। एक दिन ये चारों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तब जोनाथन और मेरलिन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जोनाथन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो मेरलिन के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन मेरलिन को ऐसे खुले में ये सब करने का मन नहीं था और वो जोनाथन को कई बार मना करती है, लेकिन जोनाथन उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये दोनों बाहर गिर जाते हैं, जिससे जिन और बनी उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन जोनाथन को मेरलिन का कॉल आता है। मेरलिन जोनाथन से ये कहती है इस वीकेंड पर उसके पेरेंट्स बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो कॉल करके जोनाथन को अपने घर में बुलाती है। जब जोनाथन ये सुनता है तब वो बहुत खुश होता है। इसके बाद जोनाथन रेडी होकर मेरलिन के घर में जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ फाइनली इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के वक्त मेरलिन को ये पता चलता है कि जोनाथन ने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया था और वो ऐसे ही मेरलिन के साथ इंटीमेट हो गया। जोनाथन यहाँ पर मेरलिन से सॉरी कहता है, क्योंकि ये जोनाथन का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी मेरलिन के फादर अचानक से घर आते हैं। मेरलिन जोनाथन को जाने के लिए कहती है और वो किसी तरह जोनाथन को खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन मेरलिन की मदर उसे भागते हुए देख लेती है। इधर हम जिन और बनी को देखते हैं। जिन बनी से डेट में चलने के लिए पूछता है, लेकिन बनी उसे ये कहती है कि उसे आज रात अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना है, इसलिए वो डेट पर नहीं आ सकती है। लेकिन हम देखते हैं जिन बनी के घर में आता है और चुपके से उसके कमरे में जाने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कैनी बनी के घर में डिनर के लिए आया है। इसका मतलब ये है कि बनी उसे झूठ कहती है कि कैनी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये जानकर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है। अगले दिन जब बनी जिन से स्कूल में मिलती है, तब इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होता है। बनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि कैनी को उसके पेरेंट्स ने डिनर में बुलाया था और वो जिन को अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवा सकती है, क्योंकि जिन कैनी के जितना अमीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम मेरलिन और जोनाथन को देखते हैं, जहां मेरलिन जोनाथन से प्रोम नाइट में चलने के लिए पूछती है। शाम में जब जोनाथन जिन से मिलता है, तब उसे ये बात बताता है। वो ये जोनाथन को बताता है मेरलिन ने उसे प्रोम नाइट के लिए पूछा है और ये सब सिर्फ जिन की वजह से हुआ है, और जिन की वजह से ही अब जोनाथन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। उस वक्त कैनी भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और वो जिन को धमकी देता है कि वो बनी से दूर रहे। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैनी पर हमला कर देता है और इन दोनों की यहाँ पर फाइट होने लगती है। इस लड़ाई में जोनाथन भी शामिल हो जाता है और जिन की मदद करने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में जोनाथन का हाथ टूट जाता है। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है, तब स्टोर का ओनर यहाँ आता है और इस लड़ाई को रोकता है और इन लोगों से यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिन जब अपने घर पहुँचता है, तब तक उसके फादर को ये पता चल चुका था कि जिन मारपीट करके यहाँ आया है और वो जिन को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और जिन किसी को भी नहीं मिलता है। उसे ऐसा करने के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया था।
अब जोनाथन और बनी को भी ये पता नहीं था कि जिन कहाँ है। जिन के यहाँ ना होने के कारण अब कैनी फिर से जोनाथन को परेशान करने लगता है। एक दिन जब कैंटीन में जोनाथन अकेले बैठा होता है, तब मैरलिन उसके पास आती है और वो यहाँ आकर जोनाथन से ये कहती है, उसका एक पुराना दोस्त इस शहर में आया है और वो प्रोम नाइट में मैरलिन के साथ जाना चाहता है, इसलिए वो जोनाथन के साथ प्रोम नाइट पर नहीं जा सकती है। ये सुनकर जोनाथन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है मैरलिन को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन जोनाथन अब काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था और उसे अब मैरलिन के इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो मैरलिन से कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो मैरलिन से ब्रेकअप कर लेता है। प्रोम वाले दिन हम देखते हैं जिन फिर से वापस आ जाता है। जोनाथन जिन को देखकर बहुत खुश होता है। जिन जोनाथन से ये कहता है कि वो बनी से मिलना चाहता है। इसके बाद वो दोनों प्रोम पार्टी में जाते हैं। वहीं पे जिन देखता है बनी कैनी के साथ डांस कर रही है। कैनी इन दोनों को देखकर इनके पास आता है और वो जिनकी बेइज्जती करने लगता है और वो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन जिन कैनी के इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो जोनाथन के साथ यहाँ से चला जाता है। जिन को देखकर बनी भी उसके पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले कि बनी जिन से मिल पाती, जिन और जोनाथन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक गार्डन पर जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ जोनाथन जिन को ये बताता है कि बनी उसे बहुत चाहती है। जिन भी उससे ये कहता है वो भी बनी को बहुत पसंद करता है। यहाँ पर जोनाथन जिन से ये भी कहता है उसे मैरलिन से कभी प्यार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था और वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। यहीं पर जिन गार्डन में सो जाता है। इसके बाद जोनाथन जिन की बाइक लेकर बनी के पास जाता है और वो बनी को अपने साथ ले आता है। इसके बाद हम सुबह में जिन और बनी को एक साथ देखते हैं और ये दोनों आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों दूर जाकर एक साथ कहीं रहेंगे। जिन जोनाथन को गुड बाय बोलता है और ये प्रोमिस करता है कि वो इससे मिलने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद जोनाथन बनी के घर में जाता है और बनी के पेरेंट्स को ये बता देता है कि बनी जिन के साथ भाग गई है, इसलिए आप लोग बनी की फिक्र मत करना। अगले दिन जब जोनाथन कैनी के स्टोर में जाता है, तब कैनी फिर से उसकी और जिन की बेइज्जती करता है। जोनाथन कैनी को सबक सिखाने के लिए अपनी कार से कैनी की कार को बार बार टक्कर मारता है। जोनाथन के एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर कैनी भी अब उससे डरने लगता है। इसके बाद जोनाथन एक दूसरी लड़की से मिलता है जिसका नाम रोजल है, जिसे जोनाथन ने एक बार मेले में किस किया था और वो उसे मूवी डेट के लिए पूछता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं रोजल जोनाथन को शुरू से ही लाइक करती थी। इसके बाद रोजल भी जोनाथन के साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।